बेटा, स्कूल नहीं जाना तुम्हें? भाई आज संडे है, आज तुम्हें इतना ही नहीं है पता तुम्हें। हम खेत से हरो चारो लेके आ रहे हैं गायों को, जब तक तुम घर रह गए हो। हंस गया, उठा ले अब। भाई भाई बहुत हंसी गया अगर गौतम आओ। हरो चारो इतने तो अच्छो लग रहा हो, अच्छो चारो हरी रो है। चलो जल्दी जल्दी काट ली मैं चारो। कालू के पापा गए हैं सैलून, सुखाना नहीं बना हुआ है। इतने तो आके मन प्रसन्न हो जाते। चलो चारों तो कट गए हैं, अब एको मूड़ पे रख ले और हसिया रख ली मैं। आज तो बहुत ही थक गए हैं, अब हम घरे जाके खाना कैसे बने हैं। कल्लू के बाबू आ गए हुए सैलून पे से, सोन को भूख लगी हुई है। अब तो चलो ही नहीं जा रहा है हमसे, तो बहुत ही गर्मी होने लग रही है, धूप और हो गई तेज बारी। अब तो हमसे बिल्कुल नहीं चलो जा रहा है, थक गए हैं। तनक रुक जा रहे, खड़े हो ले रहे 2 मिनट। धूप तो इतनी हो रही है, हम काले और पड़ गए हैं। फिर हम लवली को कच्चू असन हुई कि नहीं तर हमारे चेहरा पे। हाओ सही है कह रहे हम। चलो अब थोड़ी सी राहत मिल गई हमें, अब चल रहे हैं घरे खाना पीना बनाने हैं। भूख तो हमें सही लगे आई है, अब का करें, जा रहे हैं अब। पता नहीं यहाँ कालू घरे हैं के खेल भी चले गए, हम जल्दी से जा रहे हैं अब। बचा ले, चक्कर आ रहा है। अरे काका जी, ये तो जानी पहचानी सी आवाज लगती है। हाँ भाई, मुझे भी लगती है, चलो चल कर देखते हैं। अरे ये तो कल्लू की बाई लग रही हैं। हाँ हाँ वही हैं, आओ भाई जल्दी इनकी देखते हैं क्या हो गया है। अरे काका जी देखिए, इनके पैर से खून निकल रहा है। हाँ भाई खून तो निकल रहा है, लेकिन क्या हो गया रुकते हैं इनसे ही पूछते हैं। कल्लू की बाई, ओ कल्लू की बाई, क्या हो गया है आपको, बताइए तो हमें। अरे काका जी देखिए, वो अभी सांप में मैंने अभी देखा। हाँ ये देखिए, ये जा रहा है सांप। अरे ये तो ब्लैक कोबरा है। हाँ भाई ये तो, दूर रहो थोड़ा, जाने दो, आवाज मत करो, उसे शांति से निकल जाने दो। चलो हम जल्दी से कल्लू की बाई को देखते हैं, प्यारों ने जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं। जी काका जी, मैं भी आपकी मदद करता हूँ, उठाओ आराम से इन्हें और बैलगाड़ी तक ले चलो।
जी काका जी, अरे इनके पैर से तो बहुत ही ज्यादा खून बह रहा है। जी काका जी, नहीं तो इनकी जान को भी खतरा हो सकता है। लगता है काकी जी बेहोश हो गई हैं, इन्हें कोई भी होश नहीं रहा है। अब की करो भाई, हमारे पास वक्त कम बचा है। अब मैं जल्दी से बैलों को लेकर आता हूँ, तुम यहीं पर रहना। अरे अरे काका जी, आप दौड़े हुए इतने तेजी से कहाँ पर जा रहे हैं? अरे क्या बताऊँ तुम्हें, कल्लू की बाई को ब्लैक कोबरा ने काट दिया है। उनके पैर से बहुत ही ज़्यादा खून निकल रहा है। यदि उन्हें सही समय पर अस्पताल नहीं ले जाया गया तो उनकी जान भी जा सकती है। तुम भी मेरी मदद करो, आओ मेरे साथ। एक काम करो छोटे, इनके पैर में एक कपड़ा बांधो जिससे। अरे ये तो पैर उनका नीला ही पड़ता जा रहा है, सांप का विष उनके पूरे शरीर में ना जा पाए। ऐसा करो भाई, एक जन इनके घर पर सूचित कर दो कि कल्लू की बाई को सांप ने काट लिया है और हम लोग अस्पताल ले जा रहे हैं उन्हें। जब तक उन्हें बैलगाड़ी से लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। चलो जल्दी चलो चलो। अरे भाई जल्दी चलो यार, थोड़ा काकी के पास समय कम बचा है। आराम से संभाल कर आराम से यहाँ पर उनको अंदर ले चलो। आराम आराम से, रुको मैं आगे होता हूँ, तुम आराम से यहाँ पर उनको रख दो। मैडम जी, मैडम जी थोड़ा जल्दी आइए, इमरजेंसी केस है, थोड़ा जल्दी आइए। हाँ मैडम। क्या हो गया इनको? अरे मैडम जी, हम लोग खेत पर थे तो इनको किसी सांप ने काट लिया है, तो आप देखिए जल्दी से इनको। आप लोग बैठिए, अभी मैं मैडम को कॉल कर देती हूँ, वो अभी दूसरा ऑपरेशन कर रही हैं। मैडम कृपया करके थोड़ा जल्दी बुला लीजिए, हमारी काकी के पास बहुत ही कम समय बचा है मैडम। अरे बैठिए आप लोग, परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो आप लोग, मत रो। हमारी काकी को बचा लीजिए कृपया करके, मैं आपका एहसान बंद रहूंगा। क्या हुआ इनके लिए भाई साहब? मैडम मैडम देखिए ना, हमारी काकी का पैर तो नीला ही पड़ता जा रहा है, खेत पर किसी सांप ने काट लिया है मैडम। चलिए देखती हूँ मैं इनके लिए। लगता है इनके लिए ब्लैक कोबरा ने काट दिया है। मैडम बताइए ना, ठीक हो जाएंगी ना हमारी काकी? पड़ोसी हैं ये हमारी। ये आप लोगों ने अच्छा किया कि इन्हें ठीक समय पे आप लोग लेके आ गए। सेकंड बात, आपने इन लोगों इनके पैर में कपड़ा बांध दिया और इनके पैर में ज़्यादा जहर नहीं फैल पाया। चिंता मत करिए आप लोग, अब ये खतरे से बाहर हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है, उस छोटे से बच्चे की माँ को बचा लिया। सिस्टर जल्दी से पट्टी लेके आइए और घाव की सफाई करिए और पट्टी बांध दीजिए। जी मैम, अभी कर देती हूँ। ये कहाँ पे थी जो इनके लिए सांप ने काट लिया है? मैडम ये खेत पर थी, हरा चारा लेने गई थी खेत पर, तो वहीं पर सांप ने उनको काट लिया। बहुत ज़ोरों से ये चिल्ला रही थी, तभी हम लोग दौड़े और वहां पर इनको देखा। तो जैसे ही हम लोगों ने देखा तो हम लोग इनको बैलगाड़ी से यहां लेकर आ गए। मैडम देखो तो, पैर तो इनका पूरा नीला ही पड़ा है और सूजन भी आ गई है। मैडम कोई चिंता की बात है क्या, बताइए ना मैडम। मैंने एंटीडोज लगा दिया है, चलिए ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है, थोड़ी समय बाद और वो होश में भी आ जाएंगी। भैया आप लोग कौन हैं इनके? मैडम हम दोनों इनके पड़ोसी हैं,
और इनके घर में हम लोगों ने सूचित कर दिया है, वो बस किसी भी समय यहाँ पर आते ही होंगे। डॉक्टर, जो आपने कहा था मैं वो ले आई हूँ। चलो तो सिस्टर, जल्दी से एंटीबायोटिक डोज लगा दो। अरे लट्टू काका, आप आ गए। ये हैं काकी, मैडम ने दवाई तो कर दी है, आप खतरे से वो बाहर हैं, आप चिंता मत करिए, वो ठीक हो जाएंगी। भाई भाई देखो हमारी भाई को कहा होगा। कल्लू की भाई उठो उठो, हम आ गए हैं। कल्लू की भाई काकी भाई हमसे नाराज होगा। कल्लू की भाई हमसे गलती हो गई का। भैया आप तो इन लोगों का शुक्रिया अदा करिए, अगर ये भाई समय पे ना लाते ए भाई तो जान, उठो हम आ गए कल्लू भाई। इन लोगों के कारण जान बच गई, वरना भगवान ही मालिक था।